अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वा व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफउन नास रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल करीम व अफ़फ़ु अन्ना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़ाहु अलल ईमान। प्यारे बच्चों, मैं काशिफ महमूद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहता हूँ। आज एक नई एपिसोड लेकर मैं फिर से हाज़िर हूँ। आज फिर से हम इंशाल्लाह इस्लामियात पढ़ेंगे और आज हमारे पास जो क्लास है वो क्लास 5 है, पंजम जमात पंजम है और उसकी बुक है अलल फला। यहाँ से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है इस्लामी अखुवत। इस्लामी मतलब जो हमारा दीन इस्लाम है, इसका पेज नंबर 73 है। इस्लामी अखुवत इस चैप्टर का नाम है। दीन इस्लाम अखुवत, भाईचारा, कि हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ हम फैमिली की तरह हैं। जैसे एक पूरा जिस्म है जिसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं और वो एक दूसरे हिस्से के साथ जुड़े होते हैं, इसी तरह इस्लामी अखुवत का मतलब यह है कि जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं वो एक जिस्म की मानंद हैं और उन्हें अगर कोई तकलीफ़ होती है तो दूसरे मुसलमान को भी उतनी ही तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर ऐसा रिश्ता है तो फिर हम बाकी मुसलमान एक दूसरे का भाई भाई वाला रिश्ता है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नाम के ही हम मुसलमान हैं। प्यारे बच्चों, इस्लामी अखुवत पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता हो कि वाकई मुसलमान हमारे लिए या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए क्या अहमियत रखता है। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं और साथ साथ इसकी तशरीह भी करते हैं। अहुवत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी है भाईचारा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रदरहुड अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। इस्लामी अहुवत से मुराद मुसलमानों का आपस का भाईचारा है। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस्लामी अहुवत मतलब कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को अहुवत के रिश्ते में बांध रखा है। मुसलमान चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रहते हों, उनका ताल्लुक किसी भी नस्ल, खानदान, रंग और कबीले से हो, वहाँ कोई भी ज़ुबान बोलते हों, वो आपस में भाई भाई हैं। एक की तकलीफ़ सबकी तकलीफ़ है। इसमें हमने क्या सीखा कि मुसलमान अगर वो किसी दूसरे ममालिक में भी अगर रहते हैं, उनकी ज़ुबान और है, उनका लिबास और है, जहाँ पर भी हैं वो एक दूसरे के भाई भाई। अब देखते हैं कि मुसलमान तकरीबन, अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें तो 53 या 54 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में हर मुल्क में, गैर मुस्लिम मुल्क में भी, ममालिक में भी मुसलमान रहते हैं। तो जहाँ पर भी हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे भाई हैं। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे वही भाई जिनका हमसे रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, वही हमारे बहन भाई नहीं है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरे मुसलमान को भी उतनी ही तकलीफ़ होनी चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, आप देखो कि कश्मीर में हमारे मुसलमान मर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में, चिचनिया में, इराक में, दुनिया के हर कोने में मुसलमान मुश्किल में है। हमें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में हम आज़ाद रहते हैं, हमें इतनी ज़्यादा तकालीफ़ नहीं है जितनी कश्मीर के मुसलमानों को हैं, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए और हमें भी उनसे इतना ही प्यार करना चाहिए जितने हम सगे बहन भाइयों से प्यार करते हैं, और उनकी तकालीफ़ में उतना ही दर्द हमें होना चाहिए जितना दर्द हमें सगे बहन भाइयों का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुरान पाक देखिए इस बारे में क्या कहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मोमिन आपस में भाई भाई हैं। पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, इसका कुरान में भी अल्लाह ताला ने कह दिया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फिर इसके अलावा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिलावत की थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए। मैं रिपीट करता हूँ इसका तर्जुमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए। तो देखिए कितना ताकतवर ये रिश्ता हो गया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और अगर तुम बेहतर से बेहतरीन होना चाहते हो तो तुम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाओ, लोगों के काम आओ। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने भी लोगों के काम पहले से ज़्यादा आना है आपने इंशाल्लाह।
इस तरह इस्लाम ने मुसलमानों को एक मिल्लत बनाकर आपस में इस्लामी अखुवत की एक तस्बीह में पिरो दिया। मुसलमान अगर आपस में ये रिश्ता छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सकते। हमारे दीन इस्लाम में ये जो कंट्रीज़ की ममालिक की जो बाउंड्रीज़ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे नबी कुल आलम के लिए रहमत बन कर आए थे। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए या सऊदी अरब के लिए नहीं आए थे, या दीन इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया या सऊदी अरब के लिए नहीं है। दीन इस्लाम कुल कायनात के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, हुदल्लिन्नास पूरे इंसानों के लिए हिदायत है। इसलिए इस चीज़ को जहन में रखिए कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ के माबैन जो बॉर्डर्स हैं उनको ख़त्म करें और हर तरफ दीन इस्लाम ही हो इंशाअल्लाह। इस्लामी अहूत और सीरत तैयबा के बारे में हम पढ़ते हैं। इस्लाम से पहले अरब के लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते थे। ये इस्लाम आने से पहले की बातें हैं कि छोटी छोटी बातों पर वो लड़ते थे। कबाइल की दुश्मनियाँ सालों साल चलती रहती थीं, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, क्योंकि तब कोई ऐसा दीन नहीं था जो ये कहता था कि आप आपस में भाई भाई हैं। वो आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों पर। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम इन तक पहुँचाया कि ऐसा मत करो, कलमा पढ़ो और एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। तो फिर जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो फिर वो एक दूसरे के भाई भाई बन गए और फिर वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने वाले आपस में भाई भाई बन गए। हिजरत मदीना के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन के दरमियान अखुवत का रिश्ता कायम करके भाईचारे की एक अजीम मिसाल कायम कर दी, जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। अगर आप मुआहत मदीना पढ़ें चैप्टर, इंशाल्लाह आप अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा या अगली वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो उन्होंने मदीना के लोगों को, मक्का के लोगों को भी आपस में भाई भाई करार दे दिया। बल्कि उनकी जो जायदादें थी वो भी तकसीम हो गई कि मेरी आधी जायदाद तुम ले लो, मेरा आधा कारोबार तुम ले लो, मेरी एक दुकान तुम ले लो। हत्ता कि कुछ सहाबा की दो दो बीवियाँ थी, उन्होंने एक बीवी को तलाक दे के कहा कि ये मेरा जो भाई है, मक्की भाई है, मदनी भाई है, इसकी बीवी नहीं है, वो इसको अपनी बीवी बना ले। तो देखिए, और हम अपनी एक रोटी दूसरे को नहीं देते। हमारे पास बैंकों में देखिए कितना पैसा पड़ा हुआ है। हम अपने गरीब हमसाए को कुछ नहीं देते, हम अपने गरीब रिश्तेदारों को, प्यारे बच्चों, कुछ नहीं देते। तो हम किस तरह के मुसलमान? हम अपने बहन भाइयों के साथ सही सलूक नहीं करते, उनसे बराबरी का सलूक नहीं करते। बेटों को वालिदैन ज़्यादा पसंद करते हैं, बेटियों को कम करते हैं। इस तरह हमारे दीन में नहीं है। हमारे दीन इस्लाम में सब बराबर, किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत, प्यारे बच्चों, नहीं है। इल्ला बित्तक्वा, सिवाय तकवा के। अल्लाह की नज़र में वो ऊंचा है जो ज़्यादा परहेजगार है, जो ज़्यादा अल्लाह से डरता है, मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल करे कि आप भी लोगों में तफरीक ना रखें, हर मुसलमान को अपना भाई समझें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान उम्मत को एक जिस्म की मिसाल देते हुए फरमाया कि जिस तरह जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो तमाम जिस्म उससे तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुसलमान और दूसरा मुसलमान जिस्म की मानिंद है। पहले बता चुका हूँ कि अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द होता है तो पूरे जिस्म में दर्द होता है। आप ये देखें कि आपके कान में दर्द हो तो आपका पूरा जिस्म दर्द में रहता है, आपकी आँख में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द में रहता है, आपकी दांत, आपके दांत में दर्द हो तो पूरा जिस्म दर्द में रहता है। लेकिन ये कभी महसूस किया है कि अगर किसी के कान में दर्द है तो आपको दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसका कान है ना। लेकिन अगर वो आपका असली भाई हो, असली बेटा हो या बेटी हो, तो फिर माँ को भी दर्द होता है, क्योंकि माँ के लिए तो वो लखते जिगर है। इसी तरह प्यारे बच्चों, मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए भी लखते जिगर है। कश्मीर के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, आपको भी दुख होना चाहिए। लाहौर अगर बम धमाका हुआ है, वहाँ पे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो आपको भी दुख होना चाहिए। एक गरीब जिसके पास घर नहीं है, वो बेचारा ठंड में मर रहा है, उसका दुख आपको भी होना चाहिए। एक हमसाया जो गरीब है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसके बच्चे रो रहे हैं, उसके वालिदैन रो रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही अच्छे मुसलमान नहीं हो। उनका दर्द आपका दर्द। आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं, उनके पास खाने का कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल या कॉलेज अपने बच्चों को भेज सकें, तो आपको भी दर्द होना चाहिए। आपकी आंखों में पानी क्यों नहीं आता? आपकी नींदें बच्चों क्यों नहीं उड़ती हैं? अपने वालिदैन से पूछिए। मुसलमान मुसलमान,
आपस में भाई हैं और भाइयों की तरह इनको रहना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस फिर दोबारा से ज़हन में लाएं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के काम आए। तो आज आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक आपके वालिदैन दूसरों के कितने काम आए, आपने ये देखना है कि मैं दूसरों के कितने काम आया हूँ, आपने ये भी देखना है कि मेरे बहन भाई दूसरों के कितने काम आए। आप जब स्कूल जाएं, 6 घंटे आप स्कूल में गुजारते हैं, आपने ये देखना है कि आप पूरे 6 घंटे में आपने किसी बच्चे की मदद की है। आप जो ब्रंच लेकर आए आपने आधा उसको खिलाया है, आप जो पॉकेट मनी लेकर आए आपने उसमें से किसी गरीब बच्चे को दिया है, किसी की आपने स्टडी में हेल्प की है, किसी को आपने घर छोड़ा है, किसी को आपने दवाई लेके दी है, किसी हमसाए को आपने दवाई लेके दी है, किसी हमसाए का आपने काम किया है, किसी हमसाए की आप दुख दर्द में शरीक हुए हैं। अगर नहीं हुए तो फिर आप मुसलमान अच्छे मुसलमान प्यारे बच्चों नहीं। आप अच्छे मुसलमान तब हैं जब लोगों के बढ़ कर आप काम करेंगे। इसको भाईचारा बोलते हैं, इसको ब्रदरहुड बोलते हैं। मुसलमान भी आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे एक जिस्म है, जिस्म के हिस्से हैं। एक मुसलमान की तकलीफ सबकी तकलीफ है। इसी तरह मुसलमान अपनी बाहमी अहवत व मोहब्बत से एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हिज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो मेरी बात गौर से सुनो और जान लो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी शख्स के लिए अपने भाई का माल जायज़ नहीं जब तक वो अपनी मर्जी से ना दे और एक दूसरे से उसने सलूक करो। आप बगैर किसी इजाज़त से अपने भाई का माल भी नहीं ले सकते। हिज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंगो नसल और ज़ुबान के फ़र्क को ख़त्म करते हुए हज़रत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने घर का फ़र्द करार दिया। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका और मेरे सरदार कहकर पुकारते थे। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु काले रंग के थे लेकिन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु उनको आज़ाद करवाया। पहले वो ग़ुलाम थे लेकिन जब उनको आज़ाद करवाया तो उनको सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पुकारते थे कि बिलाल मेरे आका है, मेरे सरदार है। इतनी इज्जत दी उन्होंने एक गुलाम मुसलमान को, जब आज़ाद करवाया तो फिर उसको इज्जत थी, सरदार कह कहकर बुलाते थे। अब इस्लामी अहूत के फवायद हम पढ़ लेते हैं। इस्लामी अहूत इतफाक और इतिहाद का बेहतरीन जरिया है। इसमें आपस में इतफाक पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है। इस्लामी अहूत मुसलमानों की मुआशी और मुआशरती तरक्की की जामिन है। इससे हमारी सोशल और पोलिटिकल लाइफ भी बेटा बेहतर होती है। इस्लामी अहूत इख्तियार करने से मुसलमानों के माबैन इज्जत और वक़ार बढ़ता है। रिश्ता अहूत से आपस में हमदर्दी और खैरहाही का जज्बा परवान चढ़ता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने दो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई की सूरत में फ़ौरन सुलह कराने का हुक्म दिया और दो मुसलमानों का आपस में 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहने को नाजायज़ करार दिया। इससे क्या होता है कि आपस में भाईचारा बढ़ता है। और नाराज़गी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज़ नहीं रह सकते। और हम महीना महीना किसी से बात नहीं करते, अपने गरीब रिश्तेदारों से हम बात नहीं करते। एक चीज़ और भी जहन में रखें प्यारे बच्चों कि कता ताल्लुकी हराम है। कता ताल्लुकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जब इतना पक्का आपकी यूनिटी होगी आप में, आपका भाईचारा इतना पक्का होगा, आपका तो दिल ही नहीं करेगा किसी से नाराज़ होने को। हमें चाहिए कि मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखें और एक दूसरे से इज्जत और एहतराम से पेश आएं। तो ये प्यारे बच्चों आज हमने इस्लामी भाईचारे के बारे में पढ़ा। इस्लामी भाईचारे में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। जैसे सगा भाई होता है वैसे ही वो भाई भी है। अगर उसको तकलीफ़ हो तो आपको भी तकलीफ़ हो, अगर आपको तकलीफ़ नहीं होती तो इसका मतलब है कि आप अच्छे मुसलमान नहीं हो। इस वीडियो को 4 से 5 मरतबा देखिए, सुनिए और जो जो इसमें बातें कही गई हैं उसको अपने जहन में डाउनलोड कर लीजिए और अपनी ज़िंदगी में उसको लागू करें। पेपर में पास होने के लिए नहीं पढ़ना, ज़िंदगी में पास होने के लिए पढ़ना है, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पढ़ना है। इस्लामी अहूत आपको इसलिए पढ़ाई गई ताकि आप जान सकें कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान का दर्द आपका दर्द है, आपने कुर्बानी देनी है, बढ़ के लोगों के काम करने हैं। अगर वो मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान है तो ही उसका काम नहीं करना, कोई गैर मुस्लिम भी है तो भी उसका काम करना है। क्योंकि इस्लाम कुल कायनात के लिए सलामती के लिए आया, कुल कायनात के लिए कुर्बानी के लिए आया। ऐसा करने से प्यारे बच्चों अल्लाह खुश होगा, दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिलेगी, हम ताकतवर
एक कौम कहलाएंगे, हम ताकतवर मिल्लत कहलाएंगे, हम ताकतवर दीन इस्लाम के अलमबरदार कहलाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द कोरोना को हमसे दूर ले जाए, हमारी ज़िंदगी को आसान कर दे, वापस हम उसी खुशहाल ज़िंदगी में वापस जाएं, अपने स्कूलों और कॉलेजों में अपनी पसंदीदा टीचर से पढ़ें और हम हमेशा सेहतमंद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।